So many years in Jammu and Kashmir and still I've never seen snowfall. बेचारों को धूप लग रही थी, मैंने कहा ये तो धूप में पिघल जाएंगे, हम तो फिर बच जाएंगे, इसलिए इनको मून ग्लासेस पहना दिए। यही तो समय है पहाड़ों की सैर करने का, क्योंकि इसी मौसम में पहाड़ों पर बर्फ जमी है और बर्फ का नजारा लेना है तो इन दुश्वार गुजार रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा और पहाड़ों पर पहुंचना पड़ेगा। पत्नीटॉप जाने का प्लान काफी दिनों से बन रहा था, लेकिन प्लान बनते ही कैंसिल करना पड़ रहा था क्योंकि मौसम इस तरीके का था। किसी एक दिन बारिश, फिर प्लान कैंसिल, फिर दोबारा बारिश, फिर प्लान कैंसिल। कभी काम में उलझ कर रह जाते थे, कभी कोई मजबूरी आन पड़ती थी, लेकिन एक दिन तो डिसाइड कर लिया कि आज जाना है तो जाना है। और देखिए, इन्हीं रास्तों से होते हुए हम पत्नी टॉप की ओर निकल पड़े। पहला स्टॉप था हिस्टोरिक कुद, लेकिन सब कुछ बंद था, दुकानें बंद थी और कुद इतना सुनसान लग रहा था। हालांकि जम्मू से पत्नी टॉप कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है अगर जाम ना लगे तो, और मौसम ठीक हो और सड़कें बंद ना हो तो। लेकिन उसके बाद भी मुझे कम से कम 2-2.5 साल हो चुके थे पत्नी टॉप गए हुए, और जब पत्नी टॉप जाना भी होता था तो अक्सर गर्मियों में जाते थे। सर्दियों में बर्फ के बीचों बीच पहली बार मौका मिला और मेरी तरह बाकी लोग भी बिल्कुल एक्साइटेड थे, देख ही सकते हैं आप। जाहिर है जो नज़ारे हमें खूबसूरत लगते हैं वो औरों को भी खूबसूरत लगते हैं। जैसे हम खिंचे चले आते हैं इन पहाड़ों की तरफ, बाकी लोग भी खिंचे आते हैं। फाइनली बहुत बार पोस्टपोन करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पत्नी टॉप में। बर्फ के साथ खेलने का मजा ही कुछ और है, लेकिन अगर आपने बर्फ पे स्लाइड नहीं किया तो क्या किया। क्या नाम है आपका? कैलाश सिंह। कैलाश सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? कूद गए। अच्छा, तो ये पत्नी टॉप में कब से बर्फ पड़ना शुरू हो गई है? 3-4 दिन हो इसको पड़ते हुए। अच्छा, कल पड़ी थी, आज बंद हो गई। जब बारिश हुई थी जम्मू में बड़ी, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल हुआ था, रास्ता भी बंद हो गया था ना? बंद हो गया। अच्छा, अभी कितने दिन तक बर्फ रहेगी? ये रहेगी महीना एक। महीना एक। टूरिस्ट आ रहे हैं कम आ रहे हैं? आ रहे हैं, ठीक है। पिछले साल के कंपैरिजन में ज्यादा कम है? अभी कम है इस वक्त। कम है। इसी टाइम पे वैसे ज्यादा टूरिस्ट सीजन होता है या एक महीने बाद शुरू होते हैं? दिसंबर में और जनवरी में होता है ज्यादा टूरिस्ट, अभी कम हो जाता है फरवरी में। लेकिन इस बार कम ही है, इस बार ज्यादा आए नहीं ऐसे। यहाँ अच्छा टूरिस्ट बंद नहीं आ रहे घूमने के लिए, ऐसे बाहर से आते हैं जो दिल्ली से, जो बाहर से ऐसे यूपी बैरिस आ रही है वो अच्छे नहीं है घूमने। कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा। क्या हुआ, क्या कुछ पता है किस वजह से नहीं आ रहे? कोरोना की वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, जो इन्होंने टेस्टिंग कर दी थी मैंडेटरी, उस वजह से? हाँ, उसी वजह से नहीं आ रहे। अच्छा, थोड़े बहुत आते हैं वो यहाँ पर, मतलब अच्छा खासा एंजॉय कर रहे हैं? हाँ, वो तो करते ही, एंजॉय जो आते हैं वो खूब एंजॉय करके जाते हैं बर्फ। अच्छा, जितने लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या बोलोगे?
वही बोले कि वेलकम, सबको स्वागत करते हैं हम, ऐसी बात नहीं है। अच्छा कितने सारे आप सभी लड़के यहाँ पे ये स्लेडिंग वगैरह करवा रहे हो? है कोई 100-150 लड़का होगा, कम से कम भी 100-150 लड़का होगा। हमारे टूरिस्ट कम आते हैं तो आपके लिए भी फिर मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है। ऐसे दिन में कितने टूरिस्ट लगते हैं, मतलब जितने कर लेते हैं स्लेडिंग आपके साथ? बनता है 400-500 तो कभी कभी ये भी बनते हैं। अच्छा 400-500 तक ही बनता है, इतने बनता है। अच्छा इसी पार्क में ज्यादातर टूरिस्ट आते हैं, आगे पीछे और पार्कों में भी जाते हैं? नथड़ावे पॉइंट एक अभी वो बंद है ना रास्ता, इसलिए उधर जाता नहीं तो ज्यादा, इधर कम ही आता है। इधर कम ही आते हैं, इधर कम ही आते हैं। यहाँ ज्यादा जम्मू वाले आते होंगे? जम्मू वाले आते हैं, लोकल इधर कम की आए और वापस फिर। ठीक है, यहाँ पे हट्स में लोग रुकते हैं? हाँ रुकते हैं, कभी 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 रुकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग होती है इनकी कोई? अच्छा पीछे से कर देते हैं, रुकते हैं ज्यादा, रुकते हैं। अभी खाली है सारे पड़े हुए, रटे सारे खाली है। अच्छा तो लगा होगा। आजकल तो वैसे यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी बड़े खुल गए हैं पत्नीटॉप में, है ना? ये किसके साथ बैठे हो? ये इग्लू है। ये इग्लू है, स्नोमैन है? स्नोमैन है बट ये इग्लू के अंदर बैठा हुआ है। ये हमारे स्नोमैन जी हैं, ये यहाँ पे बस अकेले से बैठे हुए थे। मैंने कहा इनको कंपनी दे देते हैं, बेचारों को धूप लग रही थी, मैंने कहा ये तो धूप में पिघल जाएंगे, हम तो फिर बच जाएंगे, इसलिए इनको मून ग्लासेस पहना दिए। पत्नीटॉप घूमने आओगे तो अगर स्नोमैन जी मिल गए तो इनको भी हेलो बोलते जाना, अगर स्नोमैन जी नहीं मिले तो आप खुद भी यहाँ पर बहुत सारी स्नो है, स्नोमैन बना ही सकते हो, लेकिन पत्नीटॉप घूमने आओ। ईशानी जी ये तो हमारे साथ आए थे, ये आपके साथ कैसे हो गए? एक्चुअली ये मैंने बनाए, देखो मैंने अपना स्कार्फ भी दान कर दिया इनको, लेके जाऊंगी लेकिन घर जाते हो। ये अच्छा तोहफा है जो वापस भी लिया जाता है। देखो ना कितना अच्छे से डेकोरेट किया है, बर्फ के ऊपर बर्फ लगा के और कितने अच्छे से तैयार करके मैंने सजाया पूरा स्कार्फ स्कूफ देके। ये अच्छा मनोरंजन हो रहा है यहाँ पे। और भी आए और इसके साथ फोटोज लेना सारे आके, अगर तब तक बचेगा। सो वी हैव कम टू पत्नीटॉप टुडे एंड इट्स अ रियली ब्यूटीफुल स्पॉट टू बी। आई हैव नेवर सीन अ स्नोफॉल, सो मेनी इयर्स इन जम्मू एंड कश्मीर एंड स्टिल आई हैव नेवर सीन स्नोफॉल। ऐसे अक्यूमुलेटेड बर्फ तो बहुत बार देखी है एंड आज भी अनफॉर्चुनेटली यही अक्यूमुलेटेड बर्फ देखने को मिली, स्नोफॉल देखने का मौका आज भी नहीं मिला बिकॉज इट वॉज अ सनी डे। एक ही प्रॉब्लम है इन पहाड़ी इलाकों की और इन बर्फीले इलाकों की कि जब यहाँ पर स्नोफॉल होती है तो रास्ते बंद हो जाते हैं, बट बिना बर्फ के ये नज़ारे भी तो देखने को नहीं मिलते है। In the end, it was a really fun trip, one that I would remember for a long time. Snowfall dekhne ko abhi bhi nahi mila, lekin ye snow to dekhne ko mili.